सदन में उपस्थित सभी सुधीजनों को, बूढ़ीजनों को, गीतकारों को, संगीतकारों को, दीदी को और आप सभी को नमन वंदन और प्रणाम। मैं आपको बहुत पहले ले जाता हूँ, मैं ले जाना चाहूँगा नौटंकी की ओर। नौटंकी सम फिल्मों में आए तो मैं एक आलेख पढ़ूंगा, ज़्यादा समय नहीं होगा। नौटंकी में गीतों की क्या महत्ता रही है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने नौटंकियाँ चलाई हैं। कभी आपने सुना होगा कि कमला सर्कस समुद्र में डूब गया था, तो मेरे ननिहाल से थे, मेरे नाना जी नौटंकी रखते थे, उसमें 150 लोग होते, उसमें बाई जी कहते थे नाचने वाले, बाई जी हैं। और नौटंकी से बहुत सारी बाई जियाँ गाने के लिए इंडस्ट्री में आई, और बहुत सारे कलाकार हैं, सोहरा मोदी साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब। तो नौटंकी की आपकी तरफ ले चलता हूँ। नौटंकी स्वांग शैली का एक विकसित रूप है। नौटंकी की कथाएं अक्सर किसी व्यक्ति पर या महत्वपूर्ण विषय पर आधारित थी। पहले नौटंकी कैसे होती थी, जैसे श्रवण कुमार, गरीबों की दुनिया, सुल्ताना डाकू, मुगल आजम, वीर विक्रमादित्य, रूप बसंत, गुलबदन, बांसुरी वाला, सत्यवादी हरिश्चंद्र, आलम आरा, अमर सिंह राठौर, क्रिया चरित्र, राजा पूर्णमल, डाकू हसीना, लैला मजनू इत्यादि। इनमें कई विषयों पर फिल्में बन चुकी हैं। देश में दो प्रकार की नौटंकियां होती थी, ध्यान से सुनने आनंद आएगा आपको कि इसमें धुन और कैसे, 5 मिनट लूंगा, धुन और किन किन चीजों का प्रयोग होता था। नौटंकी भारतीय समाज के लिए मनोरंजन के रूप में एक आकर्षक कार्यक्रम हुआ करता था। जब भारतीय समाज में 3-3 दिनों की बारात करने का चलन था, तब दूल्हे की ओर से बारातियों के मनोरंजन के लिए नौटंकी कंपनी साथ जाया करती थी। नौटंकी को मुख्यतः हाथरसी और कानपुरी नौटंकी बड़ी प्रसिद्ध रही है। नौटंकी में पुरुष पात्र ही महिलाओं के किरदार निभाया करते थे। हमारी शुरुआती फिल्मों में भी देखिए, बहुत सारी फिल्मों में पुरुष पात्रों ने स्त्रियों की भूमिका अदाएं की है। और जो पुरुष कलाकार के लिए चुनौती भरा हुआ करता था और मजेदार भी। नौटंकी में वेशभूषा, मुख सजावट, संवाद के स्वर के ठहराव के साथ ही कलाकार अभिनय करते हुए स्वतः ही वाद्य बजाता था, स्वतः ही गीत गाता था। नौटंकी के पात्र मंच पर जैसा सजीव हो जाया करते थे। नौटंकी में प्राय श्रृंगार रस, हास्य रस, वियोग रस और वीरस के धुनों को गीतों और रागों का प्रयोग कर अधिक प्रयोग किया जाता था। उन दिनों गांव में बिजली और भोंपुर की सुविधा नहीं होती थी। कलाकार, गायक और वादक को अपनी आवाज को अंतिम दर्शक तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती थी। कलाकार को अपने अभिनय में अपने शरीर के भाव भंगिमाएं गतिमा रखना होता था, ताकि संवाद की अदायगी से अंतिम व्यक्ति भी उसकी आवाज को सुन सके। हर क्षेत्र की नौटंकी की अपनी अपनी शैली होती है। कानपुर की नौटंकी का जन्म पारसी नाटकों की शैली से हुआ। यहूदी एक फिल्म आई थी पारसी, जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, सोहरा मोदी साहब, तो कुछ अंश हमारी फिल्मों में पारसी नाटक से भी आया है। कानपुर के नौटंकी के कलाकार अपनी भूमिका में प्रस्तुति में नाटकीय और अति नाटकीय अंदाज में क्या करते थे, वहीं दूसरी ओर हाथरसी नौटंकी, देखिए दूसरी नौटंकी हाथरसी की होती थी। हाथरसी नौटंकी पर लोक गायन की शैली पर ध्रुपद स्थिर गायकों का प्रभाव है, इसलिए कानपुर के मान्य कलाकारों ने इनकी गायकी में ठहराव रखी है। गायकी में कानपुर नौटंकी में अनुपातित तौर पर उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता था। नौटंकी में दोहा, चौबाला, भरतबिल प्रधान, किसी में लावणी की प्रचुरता होती थी, किसी में कव्वाली, शेर, गजल और भैरवी, जोगिया, कलिंगड़ा, सिंध, भैरवी, देश, मांड, सोहनी, यमन, ऐसे अन्य रागों के द्वारा दृश्यों को प्रभावी बनाया जाता था। तो इस तरह से जो नौटंकी का जो आया हुआ है, हम आजकल पर्दे पर नौटंकी देखते हैं, फिल्म और नौटंकी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। धन्यवाद।